see the experiment that is burning of magnesium, chemical properties of metal. Metal, we know that as has shiny surface. तो देख रहे हो कि this is magnesium ribbon. This is magnesium ribbon. And we what we have to do, that we have studied that magnesium ribbon को अगर burn किया जाता है, when we burn the magnesium ribbon, बर्निंग का मतलब ही होता है कंबशन इन प्रेजेंस ऑफ एयर. एयर मीन्स ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के साथ जब मेटल का रिएक्शन होता है यानी बर्निंग होता है तो क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड बनता है. मेटल ऑक्साइड जो बनता है वो किस फॉर्म में रहता है, दैट इज इन पाउडर्ड फॉर्म. और ये चीज़ ध्यान देख लिया, पहले तो ये देख लिया, दिस इज मैग्नीशियम रिबन, दिस इज टेस्ट ट्यूब, दिस इज वॉच ग्लास, दिस इज वॉच ग्लास, दीज आर litmus paper, blue litmus paper, red litmus paper to test whether the nature of the oxide is acidic or basic. You know that blue litmus will remain blue in basic solution while red litmus will turn blue in basic solution. तो वो हम लोग test करेंगे. This is tong, tong and this is matchbox. क्योंकि tong we are using because we have to burn the magnesium ribbon. वो हाथ से नहीं burn करना है. And this is I have taken the pure water in this test tube and this is china dish. अब देखते हैं कि क्या हमें करना है. What we have to do, we have to burn the this magnesium ribbon. Magnesium, और ये चीज़ ध्यान रखना है कि जब ये burn होगा तो ये बहुत ही bright dazzling light होगा, मतलब इसका light का intensity बहुत ज़्यादा होगा. तो you are not थोड़ा सा आँख नीचे कर लेना, don't try to मतलब ग्लेयर मतलब स्टेयर नहीं करना, मतलब लगातार नहीं देखना, हल्का सा देख करके यू जस्ट कीप योर आइज ऑफ फ्रॉम इट. क्योंकि इसका जो लाइट है बहुत ब्राइट होता है और अवॉइड करना चाहिए. ओके, तो आई हैव टेकन दिस मैग्नीशियम रिबन, दिस इज यू कैन सी दैट दिस इज मेटल एंड दिस इज इन सॉलिड स्टेट. और इसको मैंने बहुत आराम से ये टूट गया, इसको मैंने तोड़ लिया, करीब इतना बड़ा है, छोटा भी ले सकते हैं. और इसको मैं टोंग से पकड़ूंगी, दिस इज टोंग, आई एम होल्डिंग इट विद अ टोंग. अब आई वुड आस्क समवन टू प्लीज हेल्प मी टू बर्न इट. यू होल्ड इट, यू होल्ड इट, एंड नाउ वी आर गोइंग टू बर्न इट एंड देयर आफ्टर द पाउडर विल बी विल हैव टू बी कलेक्टेड इन दिस वॉच. बहुत ध्यान से स्टेयर करके नहीं देखना है इसको, इसको बस क्योंकि मेटल है तो हाई टेम्परेचर पर होगा. आई वुड हैव ब्रॉट द कैंडल, पेपर की तरह नहीं चलेगा ये. Now just see the brightness of this. इसको कायदे से चश्मा पहन करके देखना चाहिए, जिस तरह से बर्निंग होना चाहिए. See here. See how it is. Don't stare it because see the intensity of the brightness, how brightly it is burning with giving white fumes. White fume ke saath ye dekh rahe ho brightness, just see the brightness, how brightly it is burning. And ग्लासेस पहन के करना चाहिए इस एक्सपेरिमेंट को. व्हाइट फ्यूम्स के साथ ये ऑक्सीजन में बर्न कर रहा है. जस्ट सी नाउ, सिंस आई वाज आई शुड नॉट हैव आई वाज स्टेयरिंग इट, तो मुझे अभी थोड़ा सा
हाँ, नाउ ब्रिंग क्लोजर टू दिस. नाउ सी, अर्लियर इट वॉज व्हाइट, इट वॉज शाइनिंग, बट नाउ सी दिस इज व्हाइट पाउडर. दिस इज व्हाइट पाउडर. दिस वॉज मैग्नीशियम एंड दिस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड. दिस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. जब भी बर्निंग होगा तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा. तो ये जो बर्निंग हुआ तो ये बना मैग्नीशियम ऑक्साइड. और ये केमिकल चेंज है, इससे तुम लोग दोबारा मैग्नीशियम यू कैन नॉट ब्रिंग इट बैक. तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो कैरेक्टरिस्टिक होगा दैट विल बी एंटायरली, क्योंकि केमिकल चेंज है तो एंटायरली डिफरेंट होगा मैग्नीशियम के कैरेक्टरिस्टिक से. नाउ सी, लेट्स सी, अब हमारा ब्लैक बोर्ड को जरा देखो. मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ, तो ये क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड. नाउ मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर के साथ सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं. लेट्स चेक इसका, इस मैग्नीशियम ऑक्साइड का कैरेक्टरिस्टिक कैसा है. दिस इज व्हाइट पाउडर, दिस इज व्हाइट पाउडर. और इसका कैरेक्टरिस्टिक भी, मैग्नीशियम ऑक्साइड इज अ बेस, एसिड बेस में तुम लोग पढ़े होंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड इज अ बेस. और बेस क्या करता है? रेड लिटमस को ब्लू करता है. अगर ये बेस है तो इसका मतलब ये जो ब्लू पेपर है इसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए, राइट. हालांकि अगर मैंने पानी डाल दिया इसका मतलब मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने डिप कर दिया है और इसमें कोई चेंज नहीं आएगा. ये मैग्नीशियम ऑक्साइड को ऊपर मैंने डाला तो इट वॉन्ट ब्रिंग एनी चेंज टू इट इन द कलर ऑफ द लिटमस पेपर. और लेट्स डू दिस वेयर दिस रेड लिटमस, ये रेड लिटमस थोड़ा फेड कर गया है. लेट्स डू इट वंस, लेट्स मेक इट मैग्नीस. अगर हम इसमें पानी मिला दें तो क्या बन जाएगा? ये मैग्नीशियम, देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड को अगर वाटर के साथ मिक्स करेंगे तो मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड बनेगा. अब लेट्स मिक्स इट. अब यहाँ पर तुम लोग देखोगे एक चीज, इसमें डालना चाहिए इसका, चलो कोई नहीं, इसी में करते हैं हम लोग. लेट्स ट्राई टू डिसॉल्व इट बाय दिस स्ट्रॉन्ग ओनली. इसका सिंस वी आर डूइंग इट इन द क्लास तो हम लोग थोड़ा सा अब ये देखेंगे कि ये पूरी तरह से इसमें डिसॉल्व नहीं होगा. ये पार्शियली डिसॉल्व हो रहा है, ये है ना, पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं हो रहा है. जो डिसॉल्व हो जाता है वाटर में दैट इज अल्कली. अगर जो डिसॉल्व हो जाए तो दैट इज अल्कली. और ये क्योंकि पूरा इट इज डिसॉल्व पार्शियली तो ये वीक अल्कली हुआ. वीक अल्कली ही जो हम लोग यूज करते हैं क्या चीज में, डाइजिन एंटासिड वगैरह में यूज करते हैं. अब इसका नेचर बेसिक है, हम लोग पढ़ चुके हैं कि इसका नेचर बेसिक है. तो लेट्स ट्राई टू सी कि इसमें कुछ चेंज आता है कि नहीं. एंड वेल यू कैन सी देयर इज द चेंज, कि ये जो रेड लिटमस है ये ब्लू कलर में चेंज हो गया. लेट्स डू विद द अदर बिग लिटमस पेपर. जस्ट तुम लोग देखो कि ये ब्लू है और ये पिंक था. लेट्स टेक द बिगर वन. लेट्स डिप इट इन दिस. दिस इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है. और इसमें हम लोगों ने डिप किया कौन सा लिटमस पेपर, जो कि पिंक कलर रेड था, जो कि ब्लू में टर्न कर दिया. जस्ट सी, बहुत ब्राइट ब्लू नहीं हो पाया क्योंकि ये ऑलरेडी फेड कर गया, लेकिन जस्ट सी द कलर चेंज. हियर इट इज रेड एंड हियर इट इज ब्लू. What does it show? It shows that magnesium oxide. सबसे पहला आप लोगों ने देखा कि magnesium oxide बहुत white, bright flame के साथ burn करता है, oxygen के साथ mix करता है. और उसके बाद जो powdery substance बनाता है that is magnesium oxide, जो कि chemical change है. किसके बीच का? Magnesium और oxygen के reaction के बीच बनने के बाद बना magnesium oxide, जिसका characteristic बेसिक है. कैसे पता चला? बाई यूजिंग लिटमस पेपर. अगेन वी यूज वाटर टू मेक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का कैरेक्टरिस्टिक अगेन क्या था? बेसिक था बाय द टेस्ट ऑफ दिस लिटमस पेपर. सो थैंक यू एवरीबॉडी, आई होप यू हैव एंजॉयड दिस एक्सपेरिमेंट.